फर्स्ट ऑप्शन सही है, बराबर है। चलो तो इसका मतलब ये हुआ, ये क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ ए वर्टिकल डिस्टेंस एच इन ए यूनिफॉर्म वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड ई। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है और वो ई है, ऐसा बताया जा रहा है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन को मैं गिराता हूं, एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट से यू इज इक्वल टू जीरो से ड्रॉप किया जा रहा। अब ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकल के माइनस को जाती है मेरे भाई। तो अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन रखूंगा जीरो से, इनिशियल वेलोसिटी रखूंगा, और कोई फोर्स नहीं है, ग्रेविटी है और कुछ नहीं है, और कोई कंसिडर नहीं करना है, तो ये नीचे आएगा इधर की डायरेक्शन में, और इसका एक्सलेशन आ जाएगा फोर्स अपन मास। फोर्स कितना इस पे, क्यू अपन मास एम, दिस इज द बेसिकली एक्सलेशन। इतने से एक्सेलरेट होगा इधर की डायरेक्शन में। डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज नाउ रिवर्स एंड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम। चलो कोई बात नहीं, डायरेक्शन रिवर्स कर दो, मैग्नीट्यूड सेम, एंड ए प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल रेस्ट थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस h। अब यहाँ से h डिस्टेंस ये फॉल किया था, ऐसा बताया जा रहा। दूसरे सिचुएशन में मैं फील्ड की डायरेक्शन बदल देता हूँ, चलो बदल देते हैं, कोई बात नहीं भाई, आप कह रहे हो तो मैं बदल ही देता हूँ। ये प्लस कर दिया, ये माइनस कर दिया, अब यहाँ पर मैं एक प्लस वाला रखता हूँ प्रोटॉन। अब ये प्रोटॉन भी नीचे ही आएगा अट्रैक्ट होके, तो ये भी h डिस्टेंस पे ही आया, ऐसा क्वेश्चन में बताया जा रहा है। चलो तो अब करना क्या है, फॉल रेस्ट फ्रॉम द वर्टिकल डिस्टेंस, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपेयर टू टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन। इन दोनों का फॉलिंग डिस्टेंस सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो हमें इन दोनों का टाइम कंपेयर करना है यार। अब सबको पता है कि अगर फिजिक्स में एक्सलेशन कांस्टेंट रहता है तो हमारे पास जो शिव जी का जो सबसे बड़ा टूल्स है, ब्रह्मास्त्र है, वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाते हैं तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, चाहे मैग्नेटिज्म हो, चाहे काइनेमेटिक्स हो, चाहे मैकेनिक्स हो, इलेक्ट्रोस्टेट हो, कहीं भी अगर एक्सलेशन कांस्टेंट है तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, ये सारी निकालने के लिए ये हथियार दिया गया, अधिकार हमें दिया गया है। चलो तो अगर रेस्ट से गिरते हैं सब, अब डिफरेंस क्या आएगा आपको पता है, क्या दोनों का एक्सलेशन सेम होगा? नहीं 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 नहीं, दोनों का मास स्लाइटली डिफरेंट होता है। मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर जो एक्सलेशन ए डैश आ जाएगा वो आ जाएगा क्यू ई, चार तो सेम होता है, और मास एम डैश, दिस इज द प्रोटॉन के केस में। अब यहाँ से जो फॉलिंग डिस्टेंस है वो एच तो सेम है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और हाफ एक्सलेशन सेम नहीं, और टाइम टी का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आप एक्सलेशन की वैल्यू डाल दो तो हाफ एक्सलेशन क्यू ई अपॉन एम वट एवर टाइम टी स्क्वायर हाइट, बाकी सारा सेम है, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू मास एम यहाँ से, क्योंकि बाकी सारे कॉन्स्टेंट है। अब जिसका मास ज़्यादा होगा उसका टाइम ज़्यादा होगा, मास किसका ज़्यादा है, स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन का ज़्यादा है, तो अब जिसका मास कम होगा उसको टाइम भी कम लगेगा, तो टाइम ऑफ फॉर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का टाइम प्रोटॉन से कम ही होगा, ए ऑप्शन सही है।